नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और हम आज एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसा देखने में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रेजिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज अपना इस्तीफा न केवल प्रेजिडेंटशिप से दिया है बल्कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से भी दे दिया है। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस पार्टी के संयोजक प्रोफेसर भीम सिंह साहब मौजूद हैं। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। पार्टी में क्यों टूट हो रही है? ये पार्टी में फूट नहीं है, पार्टी में आजकल फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नए नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, दो बार MLA रहे ये इसके पैंथर्स पार्टी के, भी तीन दफ़ा भी रहे जो चेयरमैन साहब हैं, मैं भी दो तीन दफ़ा रहा। यानी और ये डेमोक्रेसी है, मैं आपको एक पर्सनल बात जवाब देना चाहता हूँ कि बार बार आवाज़ें उठी थी कि पैंथर्स पार्टी भी एक खानदानी पार्टी बन गई, आप जानते हैं बिल्कुल, क्योंकि बलवंत सिंह जी मेरी सगी बड़ी बहन के बेटे हैं और चेयरमैन साहब ये मेरे बड़े भाई साहब के बेटे हैं। उस वक्त पार्टी बनाई तो नए लोग थे, ये लोग तो अभी स्कूल में थे, इनको मालूम नहीं है जब पार्टी बनी, पैंथर्स पार्टी मूवमेंट में आई, पैंथर पार्टी की तारीख चली, इन लोगों ने अभी तक किसी पैंथर्स पार्टी की तारीख में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये छोटे थे, बच्चे थे। और आज बार बार ये बात आती थी कि खानदानी पार्टी बन गई, मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया है अपनी मर्जी से किया है, कोई फर्क नहीं है। पैंथर्स पार्टी एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है और ये आवाज़ जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक पार्टी के प्रेसिडेंट अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा? पब्लिक में यही जाएगा कि पार्टी खानदानी नहीं है, पब्लिक में यही आएगा कि पार्टी हक इंसाफ की पार्टी है, पब्लिक में यही आएगा कि हर जमीन का आदमी, मैं भी जमीन का आदमी हक इंसाफ का युद्ध लड़ सकता है। पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पार्टी से कोई नुकसान नहीं है। उधमपुर में जो बेस है बलवंत सिंह मनकोटिया का, उधमपुर बेस अब जो है वो आप जानते हैं कि हम जीते हैं क्या जी, वो छोड़िए, बेस जीती है, मेरा घर भी उधमपुर में है। लेकिन बार बार आजकल यही बात उठ रही थी खानदानी पार्टी अभी कहते थे, सारे लोग कहते थे कि ये एक घर ही भीम सिंह ने बनाया है, तो अब लोगों की पार्टी बनेगी ऐसा कोई चीज़। लेकिन अब नाराजगी किस बात को लेकर बलवंत सिंह जी के अंदर थी? कोई बात नहीं हुई, परसों ही उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था, परसों ही पार्टी का मोहन सिंह जी को, और मेरे से कोई बात नहीं हुई। मैं हैरान था कल सुबह मुझे टेलीफोन आ रहे थे कि मोहन सिंह जी ने रिजाइन कर दिया, तो कोई बात नहीं है, या अब मैं रिजाइन कर दूंगा कल तो क्या फर्क पड़ेगा। ये मूवमेंट और तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैंथर पार्टी की मूवमेंट है हक इंसाफ की तहरीक है, और हमारा मिशन है कि हक इंसाफ और रास्ता है एकता और भाईचारा, ये मिशन जो है ये कभी हमसे अलग नहीं होगा और ये मिशन चलता रहेगा, नाम इसका पैंथर्स पार्टी बदल के कोई और चीज़ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नाराजगी आपसे थी, हर्षदेव सिंह जी से थी, किससे नाराजगी थी जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा स्टेप? इतना बड़ा कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एक प्रेसिडेंट अगर पार्टी का प्रेसिडेंट अगर वो इस्तीफा दे देता है तो आपको बड़ी बात नहीं लगती? आज देखिए दूसरा प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक के लिए एक जाता है, 10 TR हैं, एक्सपीरियंस है, मतलब बलवंत सिंह मनकोटिया के जाने का पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ अभी चंद मिनट पहले इधर ही मैं आया तो ये पता चला, तो मेरे ख्याल में पैंथर्स मूवमेंट को फायदा ही होगा, कम से कम एक हमारे खिलाफ एलिगेशन जो है इल्जाम था कि ये खानदानी पार्टी बन गई है, कि भीम सिंह ने अपने भतीजों और भांजों को इकट्ठा कर लिया है उससे तो खलासी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर्षदेव सिंह का जो घमंड है वो पार्टी में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, सिंगल हैंडेड इन चीजों को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो आम वर्कर हैं, यहाँ तक कि जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो भी नाराज चल रहे थे। जो आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, ये मैं आपसे सीख रहा हूँ।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि वो है ठीक नहीं चल रहे हैं चेयरमैन साहब। लेकिन चेयरमैन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नहीं हैं, वो पूरे नेशनल लेवल पे है, जो है नेशनल पैंथर्स पार्टी उसके चेयरमैन है। इलेक्शन कमीशन ने जो हमें नोटिस दिया था कि 19 तारीख तक इलेक्शन पूरी कर लो, वो दिया था जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का। तो ये 19 तारीख तक पूरा करना है। हमने ये कल जो पहली एक्सरसाइज थी ये हुई, वर्किंग कमेटी बनाई, अभी भी मिल रही है वर्किंग कमेटी बनाई, कंस्टिट्यूंट कमेटी जो है वो बनाई है। कल ही उनको प्रपोज किया था कि ये पहले प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो शाम को तो पूरी पार्टी तैयार है। कौन है नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट? मैं नहीं बता सकता, वो वर्किंग कमेटी बैठेगी, अभी शाम को पता चल जाएगा। वो ऐसी बात नहीं है एक आदमी की, मैं चला जाऊं कल। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, हर्षदेव सिंह, अगर आप फारूक अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं और आपको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो अगर इस तरह के फैसले हर्षदेव सिंह ले सकते हैं तो उनका लगता नहीं कि जिस तरह से पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उनको लेकर? मैं बताऊं, अभी नए लोग हैं, ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है, सीखे नहीं है। हर्षदेव सिंह नए लोग हैं सर? नहीं, और क्या, अभी तो कितनी है, 60-65 साल उम्र ही है ना मेरी, आई एम 83 और मैं पहले जेल में गया 9 साल का था। शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, रामनगर आए, 11 साल का था मैं छठी जमात पढ़ता था, लड्डू बांट रहे थे, मुझे लड्डू दिया, मैंने शेख अब्दुल्ला के मुँह में मार दिया, मुझे पुलिस ने टांग से घसीट के लात, 11 साल का छठी जमात में। क्या आपने अपनी पार्टी की कमान बच्चों के हाथों में दे दी है क्या? बच्चों नहीं, नए लोग हैं, ट्रेनिंग हैं, ये आ रहे हैं। अब देखिए तजर्बा हो रहा है, तजर्बे से खुद पास हो रहे हैं, लोग हैं यहाँ, लोग, पीपल आर द रियल टीचर, दुनिया है वो फैसला करती है, वो मानते हैं। अब एक दिन में खुद ही फैसला कर दिया उसने, आई एम नॉट फिट फॉर इट। तो जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन हो रही है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट पार्टी है, हर्षदेव जी पूरे नेशनल लेवल पे चेयरमैन है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, उस पार्टी को, नेशनल लेवल की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रिकग्नाइज किया है। जम्मू कश्मीर अब दो पार्टी हो गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बन गई हैं, तो दो यूनियन टेरिटरीज में पैंथर्स पार्टी एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है। भीम सिंह हो या नहीं चले जाए, पार्टी रिकग्नाइज है। तो इस तरह उस पार्टी का 19 तारीख तक हमने इलेक्शन कमीशन भीम सिंह जी कहा, यह भी जा रहा है कि प्रोफेसर भीम सिंह जिस बेबाकी के साथ पहले बातचीत करते थे, अब माहौल ऐसा बन गया है कि वो भी खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे। बेबाकी कैसे, मेरी यंग है बीजेपी की मोदी सरकार से दिल्ली में, मेरी यंग है पहले अपने पार्टी के अंदर की लड़ाई तो सुलझा लीजिए। छोड़िए, कौन सी लड़ाई है आपके अंदर की, इतना रशा कसी अंदर लगी हुई है पार्टी के अंदर? अरे ये महाभारत क्या हुआ था, अंदर की लड़ाई थी, अंदर की लड़ाई थी। आप ये कह रहे हैं कि ये महाभारत है? तेन बट सारा युद्ध जो महाभारत है, पांडवों के पास तो राज भी नहीं था, जंगल में से 12 साल जंगल से आके युद्ध किया, और कौरवों की फौज 11 शून्य थी, पांडवों की सिर्फ 7 शून्य, सिर्फ कृष्ण था, और हमारा मिशन जो है, मिशन हक इंसाफ का, वो है कृष्ण करेगा कोई। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपने महाभारत की बात बताई कि घर के अंदर की वो लड़ाई थी और पैंथर पार्टी में भी, अगर पैंथर पार्टी के अंदर भी वो लड़ाई चल रही है जैसे महाभारत की हुई थी, तो इसमें कौरव कौन है, पांडव कौन है और कृष्ण की भूमिका में कौन है? हक इंसाफ जो जंग हक इंसाफ की लड़ रहे हैं वो ही पांडव है। कौन है वो? देखो जो है वो पहचानेंगे, पीपल विल यू विल रिकॉग्नाइज पीपल। कृष्ण की भूमिका में कौन है? कृष्ण की भूमिका में कहीं के भूमिका हम पे ही आशीर्वाद है, आप ही हैं कृष्ण, आप नहीं है कृष्ण, पैंथर्स पार्टी के साथ है। तो अब कैसे ये मामला सारा सुलझेगा, क्योंकि अब इलेक्शंस जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं अनाउंस, और ऐसे में अगर पार्टी बिखराव के मोड़ पर रही तो? ये अभी आप इंटेलेक्चुअल हैं, थिंकर हैं, 2 साल तक मोदी साहब चुनाव नहीं करेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर की जमीन नीचे चल जाती, जब तक गर्क नहीं हो जाता जम्मू कश्मीर। 2 साल बाद तो होंगे ना सर? पूरी बात सुनिए ना, आपने क्वेश्चन किया है, अमेरिका बैठा हुआ है, आज पहली दफा
हिंदुस्तान की तारीख में अमेरिकन आर्मी आती है राजस्थान में, हमारी आर्मी के साथ दोनों के साथ ट्रेनिंग हो रही है ना पहली दफा। हम नॉन अलाइन मूवमेंट में थे पूरे इंडिया। लुक एट इंदिरा गांधी कैसे मरवाया, किन्ने मरवाया इंदिरा गांधी को, उनके बेटों को कितने मरवाया, कुर्बानी देखिए। और ये अमेरिका की पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को तोड़ना, कश्मीर को ले जाना। डिक्सन प्लान पीटीपी, आज अमेरिका डिक्सन प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहता है और वो करेंगे। यूएन डिक्सन प्लान मीन जो हिंदू दो ढाई देश तक हैं वो हिंदुस्तान को दे दो और बाकी बनेगी मुस्लिम स्टेट। आज उन्होंने बुद्धों को अलग कर दिया आपसे, आपने देखा नहीं ये जो लद्दाख को अलग किया। आप इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को जा रहे हैं, मैं लोकल लेवल पर ही चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। जम्मू कश्मीर में लोकल लेवल नहीं है, जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल टारगेट बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। आप पैंथर पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हक इंसाफ वहाँ अमेरिका पार्टी के भीतर की बात कर रहा हूँ। नहीं बेहतर कोई, ये बच्चों की लड़ाई थी ये खत्म हो गई, एक दिन और से थी ये, नहीं ये मैंने नहीं रखती है। मैंने रखती है जो सड़क में जाएगा, जो पांडवों की तरह वनवास में जाएगा। मतलब आपको लगता है फिर लोग विश्वास करेंगे पैंथर पार्टी में? हम लोग हैं, लोग क्या हैं, लोग तो आई एम द पीपल, क्योंकि मैं कोई मैंने तो पहले कई दफ़ा डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं तो ना पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना MLA की इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आई एम 82 years, लेकिन माई मिशन इज यूनिटी। इंडिया में इंडिया का मैप देना था, इंडिया का झंडा वो तो ले लिया, लेकिन इंडिया ने हमारा नाम ही खत्म कर दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के कन्वेनर प्रोफेसर भीम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ पार्टी के बीच में होती रहती हैं और कहीं ना कहीं घरेलू महाभारत का नाम भी इसे दे दिया है। ऐसे में इन्होंने नाम लिए बिना जो है इशारा किया है कि कुछ लोग कौरव की तरफ हैं, कुछ लोग पांडव की तरफ हैं और अपने आप को कृष्ण की भूमिका में प्रोफेसर भीम सिंह देखते हैं। बाकी के खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।